हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ मीठी सेवैयाँ। यहाँ पर मैंने एक कप मीठी सेवैयाँ बनाने के लिए हमने बारीक वाली सेवैयाँ ले ली है। यहाँ पर मैंने कटे हुए ड्राई फ्रूट लिए हैं और यहाँ पर हमने आधी कटी हुई शक्कर ली है। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई गर्म कर रख दी हूँ। कढ़ाई में हम घी ऐड कर देंगे। मैंने घी अपने हिसाब से ऐड किया है, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हमारा घी जो है हल्का सा गर्म हो जाएगा, उसमें हम ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, मैं इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर दूँगी। ड्राई फ्रूट को 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें सेवैयाँ ऐड करेंगे। अब आप देख सकते हैं 1 मिनट हो चुका है, हमारा ड्राई फ्रूट फ्राई होने लगे। अब मैं इसमें सेवैयाँ ऐड कर दूँगी और ड्राई फ्रूट और सेवैयों को साथ में हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ही करना है, बस हमारी सेवैयों में से खुशबू आने लगे, इतना ही करना है हमको। यहाँ मैंने शक्कर ऐड कर दी हूँ। अब हम इसके साथ में शक्कर को भी अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर हमने शक्कर को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है सेवैयों के साथ। यहाँ पर मैंने 1 कप गर्म पानी लिया है, लेकिन हम इसको पूरा नहीं डालेंगे, हल्का सा कुमकुमा पानी लिया है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके हमारी सेवैयों में ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने आधा ही कप पानी लिया, आधा कप पानी हमारा रखा हुआ है। अभी हम इसमें स्पेस नहीं पकने देंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी सेवैयाँ पकने लगी है। सेवैयों को हमेशा हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं तो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, और बनने के बाद खाने में लुक वाइज भी बहुत अच्छी लगती है और कलर टेक्स्चर भी बहुत अच्छा आता है। इसीलिए मैं हमेशा सेवैयों को इस तरह फ्राई कर लेती हूँ थोड़ी सी और फिर बनाती हूँ। अभी हम इसको स्लो गैस पे पकने देंगे। यहाँ पर मैं ढक्कन लगा दूँगी, ढक्कन लगा के हम इसको 1 मिनट तक के स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। 1 मिनट हो चुकी है, हम अपनी कढ़ाई खोल के देख लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी जो सेवैयाँ हैं एकदम छोटी छोटी और खिली खिली बनी है, और जो हमारा आधा कप पानी था उसमें हमारी सेवैयाँ बन के रेडी हो चुकी है। आप चाहे तो उसमें थोड़ी गुलाब की पत्तियाँ भी ऐड कर सकते हो और खोजा खावा भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैं केवड़ा आइसक्रीम के 2 बूंद डाल रही हूँ। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेश क्रीम ऐड करने से इसका टेस्ट जो है थोड़ा और अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं क्रीम डालने के बाद इसका कलर चेंज हो गया है और हमारी जो सेवैयाँ हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट ही बनी एकदम, और टेस्ट भी बहुत बढ़िया बना है। अगर आपको मेरी सेवैयों की रेसिपी पसंद आती है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।